दोस्तों इंडसइंड नेट बैंकिंग से आपको स्टेटमेंट चेक करना है या डाउनलोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउजर आपके फोन में या कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन कर लेना है और ब्राउजर ओपन करने के बाद इंडसइंड नेट बैंकिंग आपको सर्च करना है। पहली लिंक आपको मिलेगी, सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू टू इंडसइंड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों और आपको यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन कंप्लीट कर देना है। आपको यूजर आईडी नहीं पता है, पासवर्ड नहीं पता है, फॉगआउट का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, सिलेक्ट कीजिए, स्टेप फॉलो कीजिए, दोनों चीजें आपको पता चल जाएगी। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैं लॉगिन प्रोसेस यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। दोस्तों डिटेल्स मैंने एंटर कर दिए है, साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कंप्लीट करते हो इस तरीके से आपको जो है पेज विजिबल हो जाएगा, फोन के ऊपर ये छोटा दिखाई देगा, आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे अच्छे से देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जूम करने के बाद दोस्तों ऊपर आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगे, बट यहाँ पे स्टेटमेंट हमें चेक करना है, डाउनलोड करना है, उसके लिए सेविंग्स एंड करंट अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए। और एक बार फिर से नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ अकाउंट डिटेल्स आप चेक कर सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। जूम करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अकाउंट नंबर है और आगे कुछ डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। और स्टेटमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मिनी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आप इसी पेज के ऊपर चेक कर सकते हो, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो, डेबिट है या क्रेडिट है वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, बैलेंस आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड एज पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा और भी यहाँ पे डाउनलोड एज एक्सएलएस का ऑप्शन मिलता है। जूम आउट करेंगे दोस्तों मिनी स्टेटमेंट के बाद, अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा दूं, आपको मिनी स्टेटमेंट के अलावा और भी दो ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड ADHOC स्टेटमेंट और डाउनलोड मंथली स्टेटमेंट। मंथली स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करना है तो वो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पे मंथ और डेट सिलेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ पे गो का ऑप्शन आपको मिलेगा, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में मंथली स्टेटमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप मिनी स्टेटमेंट के नीचे वाला ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हो, जैसे कि ADHOC स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो अगर सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आप मल्टीपल मंथ सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको पिछले 3 महीने का चाहिए, पिछले 6 महीने का चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस मंथ से लेके किस मंथ तक आपको चाहिए और फिर सबमिट करना है। आपको जल्दी से दिखा देता हूँ दोस्तों, अकाउंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। नीचे आप देख सकते हो दिस मंथ लास्ट 3 मंथ और लास्ट ईयर, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और डेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे आप इस कैलेंडर के ऊपर टैप करोगे, यहाँ पे आपको कैलेंडर जो है विजिबल हो जाएगा। अगर इस अंदर वाले एरो पे आप क्लिक करते हो तो पिछले महीने में जाओगे और बाहर वाले एरो पे आप क्लिक करते हो तो ईयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सेम चीज आप इस साइड पे भी कर सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे जनवरी से लेके अभी तक का स्टेटमेंट चाहिए तो January 1 से लेके अभी तक करंट मंथ का चाहिए, मैंने डेट सिलेक्ट किया है, सबमिट पे टैप करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट जनरेट हो चुका है। मैं यहीं पे चेक कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे डाउनलोड एज पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर मैं डाउनलोड एज पीडीएफ करूँ तो स्टेटमेंट जो है डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से अपने आप पॉपअप आ जाएगा या फिर ऊपर नोटिफिकेशन पैनल में भी आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, तो वहीं से सिलेक्ट करके आपका स्टेटमेंट जो है इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको इंडसइंड नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट चेक करना है या फिर डाउनलोड करना है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।